सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछले वीडियो में आपको जैसे कि याद होगा मेरी गेम लैग क्यों हो रही है, एक सेकेंड। हाँ, तो पिछले वीडियो में आपको जैसे कि याद होगा हमने स्प्लैश पोर्शन ऑफ वीकनेस बनाया था। सो अभी हम जो है जाने वाले हैं उसको ज़ॉम्बी में बदलने वाले हैं और फिर बाद में हम जो है उसको फिर से नॉर्मल में बदल देंगे। सो मैं ये सब रख लेता हूँ, मैं कबाड़ा रख के ही चलता हूँ, क्यों क्या पता। और मैंने एक ज़ॉम्बी को फंसा लिया है अपने जाल में, आपको दिखाता हूँ मैं। सो एक ज़ॉम्बी को मैंने जाल में फंसा लिया है। मैं अब पहले तो ये रहा ज़ॉम्बी और ये इसको पानी डाल दिया है, एक सेकेंड। इसके नीचे पानी है इसलिए जल रहा नहीं है। और ये इस बंदे को मैंने बोट में पकड़ लिया है। सो अभी मैं क्या करूँगा, सीधे से खोदते खोदते आऊँगा और फिर उसको यहाँ पे लाऊँगा। सो अभी वो ब्लॉक तोड़ते ही भाई जी अटैक करेंगे हम पे। भागो, अबे तू जल कैसे रहा है, ओए ओए, अबे अबे अबे। ओके, सो अभी उसको मार, तू चल कन्वर्ट कर उसको, अबे कन्वर्ट करना उसको, मुझे क्यों मार रहा है, उसको मारना। ओके ओके कर रहा है वो मार तो नहीं देगा, वो मार रहा है क्या, खत्म कर दिया उसने, पागल है क्या तू, ओ ये बंदा पागल है क्या। अरे भाई मुझे दूसरा विलेजर पकड़ना पड़ेगा अभी, वो भी मेंडिंग देगा कि नहीं पता नहीं। गाइज मैं वो सब कुटाने करता हूँ। सो गाइज फाइनली मैंने इतनी देर तक कोशिश की है और वो हो चुके हैं। सो अभी मैं वो दूसरे में उसको तो मार देता हूँ, सबसे पहले वो दूसरा ज़ॉम्बी उसको मार देता हूँ मैं और फिर इसको बनाएंगे। और उसने मेरे मेंडिंग वाले को तो मार दिया, बस ये मेंडिंग दे दे बस, मर जा जा, एक ही शॉट, वन शॉट गाइज। ओके तो अभी इसको हम जो है थोड़ा दूर से ही ये दे देते और ये भाई साहब दुनिया भर की आवाज है, तड़प रहा है वो, हो जा भाई तू। स्प्लैश पोर्शन का मेरे पे हो गया है क्या असर, कब क्योर होगा मुझे भी नहीं पता, पर हमको एडवांसमेंट मिल जाएगी। सो अभी देखते हैं कब तक हो जाता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। सो मैं सोच रहा हूँ कि एक डायमंड की पिकैक्स बनाई जाए। स्टिक्स तो नहीं है हमारे पास, स्टिक्स इसमें हो सकती है, ये रहे, बनाओ भाई बनाओ पिकैक्स। अभी चलते हैं इसको एंशेंट करते हैं, मेरे पास लेवल भी नहीं है, लेवल बढ़ानी पड़ेगी। और लैपिस इसमें। और गाइज आज हम दो एंडर चेस्ट तो बना ही लेंगे, मैं एंडरमैन को तहस नहस कर दूंगा। सो चलते हैं सबसे पहले, ये एफिशिएंसी 4, एफिशिएंसी 2, एफिशिएंसी 1, बिल्कुल भी नहीं। मैं एफिशिएंसी 4 लूंगा पर अभी नहीं, मेरे पास लेवल ही नहीं तो कैसे लूँ। भाई साहब बाबा आज के दिन बन जाओगे क्या, एक सेकेंड, बन गया क्या वो। ओके फाइनली ज़ॉम्बी डॉक्टर, वी हैव गेट इट फाइनली ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो, आई लाइक इट। सो अभी तू, सो गाइज इससे मैं पूरी की पूरी ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने वाह, इससे मेंडिंग तो मैं लेके ही रहूँगा भाई साहब, कुछ भी हो जाए, 10 घंटे लग जाए या 12 घंटे, मेंडिंग तो चाहिए मुझे। मैं एक्स लाना भूल गया था, एक्स मेरे पास नहीं होगी, एक्स बनाओ भाई साहब, एक्स एक्स एक्स, ओके। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे 2-3 घंटे के बाद, जब तक वो मेंडिंग नहीं देगा भाई साहब मैं छोड़ूंगा नहीं उसको,
आज तो बेटे तेरे से मेंडिंग लेके रहूंगा, तब तक ना तू जाएगा ना मैं। ये रखो सब ऊपर। भाई प्लीज मेंडिंग दे दे यार, मेंडिंग 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 मेंडिंग। चलो 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 जल्दी से मेंडिंग दे भाई। ओके फाइनली, तू इधर से बाहर भी नहीं जाएगा। ये इधर प्लेस करो। ओ भाई इधर आ। 1 2 3 4 5 6 7 मेंडिंग। अभी थोड़ा सा अपग्रेड हो जा। कितने 12 ले लिए मैंने एमरल्ड्स। ठीक है चलो, आगे कौन से ट्रेड देगा तू? अच्छी वाली दियो। फॉर्च्यून 3 भी चाहिए मुझे। फॉर्च्यून 2 है अपने पास, लेंगे। ये दे चल। थैंक यू फॉर फॉर्च्यून। इंटरपल मिल गई, ब्लेज रॉड एक ही चाहिए। और ये इधर, और अभी ये आई ऑफ एंडर 2-2। अभी हमको चाहिए थोड़ा सा ऑब्सीडियन, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 8 16 16 चाहिए हमको भाई। और अभी हम बनाते हैं इसको इधर, इसको अबे इसको लेते हैं। ओके सो एक बार में मेरे पास सिल्क टच तो है ना, सिल्क टच थी मेरे पास, ये रही ये रही। सो मैं एक बार ही ट्राई करता हूँ, बस इसको इधर रखते हैं और अभी चलते हैं। सो मैं थोड़ा सा चला गया था, तो इसके बाद मैं नेदर में गया और मैंने नेदर क्वार्ट्स लाए और मैंने अपनी लेवल 31 कर दिए। वो नेदर क्वार्ट्स से जल्दी हो जाता है जो भी हो। ये देखो नेदर क्वार्ट्स, सो उससे हमारी लेवल जल्दी बढ़ जाती है, तो मैंने लेवल बढ़ाई। और गलती से मैंने वो मेरी दूसरी क्या है वो एंटर चेस्ट वही रख दी, तो अभी सिल्क टच तो लगाना पड़ेगा ना। सो लैपिस है ना, सो अभी ये इधर एफिशिएंसी 4 अनब्रेकिंग 3। चलो ओपी इधर ये रखी सिल्क टच। ओके ये रखो ओके। अपनी सिल्क टच को कुछ तो भी नाम देंगे हम बाद में। और अभी हमारे पास तो अभी चलते गाइस, वो वाले इसको तोड़ के लाते हैं सिल्क टच से। रुक जा। ये घास पागल यार, पागल हम बार बार पंगे ले रही थी मुझसे। मेरा ये सब तोड़ दिया, एफिशिएंसी का कमाल। चलो तो गाइस अब ये आ जाएगी अपने पास। ओके यस 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 यस। और गाइस ये सिल्क टच है तो ये भी तोड़ लेता हूँ। ये रहा
कोई वो बंदे नहीं ना मारने वाले मुझे। नेदर की सब नेदर तो सबसे अच्छा है, पर नेदर की सबसे खतरनाक बात ये है कि उसकी साउंड भाई सब दुनिया भर की। गाइस अभी हमारे पास अगले वीडियो में हम जो है जाने वाले डायमंड्स ढूंढने, और फिर हम आएंगे एंशिएंट डेब्रीज की खोज में अपने क्रीपर फार्म को यूज मिलाकर। ओके तो गाइस इसको रखते हैं हम, ये क्या स्मेल्ट होगा, होगा। सो गाइस इसके नगेट बनेंगे या ओ ये बनेंगे देखते हैं। ओके तो मतलब मैं इसे कितने सारे कर सकता हूँ, ओपी ना यार। और गाइस हाँ वो क्लर्क जो होता है उसको मैंने अपग्रेड करा है, मेरे जितने भी गोल्ड था मतलब अपग्रेड कर दिया मैंने, और वो अभी मुझे दे रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। क्लरिक यही है क्या, नहीं ये नहीं है, ये वाला इधर। सो गाइज ये मुझे चार ये क्या एमराल्ड्स में एक एंटरपल दे रहा है, तो मुझे चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और चाहिए भाई मुझे। मेरे भाई एमराल्ड्स खत्म, अरे भाई साहब अभी इनसे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी गाइज, ये क्ले बेच बेच के, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा बेचूंगा, इनको ज़्यादा ही लूटूंगा तो भी कुछ होगा। वो नहीं चाहिए भाई, इंटरपल दे चल जल्दी, ये रखेंगे यहाँ पे। और मेरे ख़त्म हो गए भाई 18, जिंदगी भर के थे मेरे पास 18 ही हो गए। ओके कोई ना, सो अभी ये एंटर चेस्ट मस्त काम कर रही है, मुझे समझ गया आ गया है। सो अगर मैंने इसको लिया तो भी वो इसमें ही रहेगा ना ओपी, मतलब ये शिल्कर बॉक्स जैसा भी काम करती है। सो इधर रखेंगे इसका सामान, इसमें इसका सामान, इसमें। सो एक और काम करके जाते गए, ये फॉर्च्यून 3 है और इसके फॉर्च्यून 2 है, सो ये भी लगा देता हूँ मैं। सो अभी 2 हो चुके हमारे पास, एक एफिशिएंसी 4 और मेरे पास अनब्रेकिंग भी है। ओ ये अनब्रेकिंग, हम इसको अनब्रेकिंग 3 में भी करेंगे बाद में, और एक ले लूँगा मैं फॉर्च्यूनर। अच्छा ये गलत हो गया। ओके सो हमारे पास अभी आ चुके बैड एस पिकेक्स और एक बो, हमारी बैड एस तलवार। सो मतलब अपग्रेड हो रहा है गाइज जैसे जैसे वीडियोज आ रहे हैं। सो पसंद आता है तो लाइक करो यार। सो गाइज अगले वीडियो में हम जो है एक मस्त सा अपना एक्सपी फार्म बनाएंगे, उधर उधर हमारा एक वो था। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।